बीते दिनों पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी वेल्फेयर सोसाइटी ने महिलाओं में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और इसकी रोकथाम के तरीकों और इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए एक सीएमई यानी कि कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का आयोजन किया। इसमें डॉक्टर्स ने महिलाओं के मेनोपॉज के बाद आने वाले सीवीडी के लक्षणों, ओबेसिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। हाल ही में हुई एक स्टडी का हवाला देते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में बीते कुछ सालों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की क्षमता में 13-15% की बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर्स ने यह भी दावा किया कि टीवी पर सीरियल्स देखने के बजाय घर के बाहर निकलकर फुटबॉल खेलना, साइकिलिंग करना, खाने में दही, फल व सलाद की मात्रा को बढ़ाना, दिन में 10-10 मिनट के एक्सरसाइज के 4 स्लॉट्स करना कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की रोकथाम के लिए काफी उपयुक्त साबित हो सकते हैं। पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से डॉक्टर नीलम दहिया ने अपनी एक पब्लिश स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि ओबेसिटी से जूझ रही 44% महिलाओं में कार्डियोवैस्कुलर पाई गई है, इसलिए इस विषय पर अवेयरनेस व जागरूकता की जरूरत है। आइए देखते हैं ये कैमरा रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर निधि है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट मोहाली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो हम सीएमई कर रहे हैं वो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए है। अब सबको पता रहता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इनएक्टिविटी या फिर डाइट का बहुत रोल रहता है, बट जनरली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं लोगों को लगता है स्ट्रेस से क्या होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है, बट स्ट्रेस एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है उससे हाइपरटेंशन, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इन सब का रिस्क बढ़ता है। और ये जो सारे रिस्क जब बढ़ जाते हैं तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क होने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर अमा वालिया हूँ, एडिशनल प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़। आज जो हम ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ये वुमेन हेल्थ के ऊपर है। बेसिकली हमने टारगेट किया है पीजीआई फैकल्टी और पीयू की फैकल्टी को, ताकि हम एजुकेटेड लोगों को फर्दर एजुकेट करें, ताकि वो आगे ये मैसेज स्प्रेड कर सकें कि ओबेसिटी को, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो बेसिकली उसमें डाइट क्या खाना है, एक्सरसाइज क्या करना है, ये सब हम सिखा रहे हैं। पर लोगों का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो स्ट्रेस ही इतना नींद नहीं आती है। तो हम ये सब भी आज बात करने वाले हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, सोना कैसे अच्छे से है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, डाइट क्या खाना है, फिजिकल एक्टिविटी क्या करना है, और इस सब के लिए मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो ये सब इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम ये सब मैसेज और लोगों तक भी पहुंचा सकें और वो सभी ये फॉलो कर सकें। तो बिल्कुल, स्ट्रेस जो है आजकल की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको स्ट्रेस होता है तो आप खाते हैं, मोस्टली स्ट्रेस के साथ खाते हैं, तो खाना ओबेसिटी लाएगा, है ना। स्ट्रेस होगा तो आप घूमने नहीं जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, दैट विल कॉज ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी विल ब्रिंग हाइपरटेंशन एंड मैनी अदर थिंग्स। सो वो जो स्ट्रेस, तो आजकल मतलब ट्राई टू ना लीजिए ना दीजिए, बिल्कुल आप जब देंगे नहीं तो आप लेना भी कम करेंगे। तो ये एज ग्रुप ऑफ वुमेन व्हिच इज मोर प्रोन टू इट, एनी स्पेशल एज ग्रुप ऑफ वुमेन व्हिच इज मोर प्रोन टू दिस? वुमेन नॉट एज सच, एवरीवन, इवन स्टूडेंट आर, इवन स्कूल स्टूडेंट्स आर स्ट्रेसफुल, यू नो, दे डोंट हैव टाइम टू प्ले, दे आर स्ट्रेस, दे आर और दे आर सो मच गोइंग बाय बाइसिकल। So stress is from, you know, fifth class onwards, I guess. Stress is all everywhere now. So you have to, stress is everywhere. So you have to, you know, find the way to decrease the stress. I am Dr. Soumya Saxena. I am Associate Professor of PMR at PGI Chandigarh. Today I am presenting here on how to remain physically active in busy schedule. So as we all know, these days it is very hard to find time out of our busy lifestyles to exercise or to be physically active. And being sedentary itself is a risk factor for developing cardiovascular diseases in future. So I will be discussing certain things which we can incorporate in our routine to become physically active, to meet the standard guidelines and to remain more healthier
so that we can avoid future risk of developing. ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें.